पटरियों पर लगती हुई दुकानें, दुकानों में बिकता हुआ सामान से लेकर ये बड़ी बड़ी ऊंची गगनचुंबी इमारतों में बसी हुई मॉल, काफ़ी रोचक सफ़र है खरीदारी का, काफ़ी रोचक सफ़र है ग्राहक का, काफ़ी रोचक सफ़र है एक मांग और आपूर्ति का। मॉल्स यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जहां पर आपको बहुत सारा सामान, लगभग सभी सामान एक ही तरह से मिले, एक ही जगह पे मिले, कॉम्पिटिटिव रेट्स पे मिले। इस तरह का चलन हिंदुस्तान में आए हुए तकरीबन 20-25 वर्ष हुए हैं और उसका रिजल्ट है आज लगभग हर कॉलोनी के अंदर खुली हुई एक मॉल। आज हम जिस मॉल में हैं, इस मॉल की एंट्रेंस है साउथ। साउथ यानी ऊर्जा से भरपूर एक ऐसी दिशा जो कि संबंध रखती है प्रतिष्ठा से। एंट्रेंस के बाहर हमने जो ब्राइट हॉल कंसेप्ट देखा, हमने देखा किस प्रकार से इन्होंने ओपनिंग में एक एंट्रेंस में एक गार्डन बनाया जो एक्यूमुलेट करता है उस सारी एनर्जी को इस पूरी की पूरी प्रीमाइसेस में प्रवेश करने से पहले। और प्रवेश करने के तुरंत बाद बाहर ये एक इतना बड़ा सेंट्रल हॉल, एक डूम शेप। ये डूम निश्चित करता है बहुत अधिक मात्रा के अंदर बहने वाली कॉस्मिक एनर्जी को। जितनी भी हाई कॉस्मोटॉलिक बैलेंस किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होगा वह उसकी सक्सेस की उतनी ही बड़ी गारंटी होगा, वह उतनी ही ज़्यादा मात्रा के अंदर उस चीज़ को गतिमान रखेगा। इस गति को बरकरार करने के लिए शॉपिंग मॉल्स के अंदर इस तरह के पैसेजेस जो इंटरकनेक्टेड दुकानों को आपस में शो करते हैं एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। दूसरी गति के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आती चीज़ है वो है एस्केलेटर्स। एस्केलेटर्स वो मूवमेंट जो आपकी इस पूरी इंटरकनेक्टिविटी को आपके साथ रखे, आपकी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक और सेकेंड फ्लोर से आखिरी तक। ग्राहक को आकर्षित करना एक, लेकिन ग्राहक की मांग की आपूर्ति करना दो। ग्राहक की मांग की आपूर्ति करने के लिए जो विभिन्न दुकानें बनाई जाती हैं उनके साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हमें यहाँ देखने को आई कि यहाँ पर सभी दुकानें पूरी तरीके से रेगुलर शेप्ड में हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी दुकान आपस में ना तो कन्फ्रंट कर रही है और ना वो इरेगुलर शेप्ड है। सभी को दुकानों को गेट खुलने के बाद एक ओपन हॉल मिलता है जो कि उनके अंदर ग्राहकों को लाने के अवसर को सुनिश्चित करता है और माल की बिक्री को सुनिश्चित करता है। मार्केट्स के अंदर जहां पर भी हमें जंप ऑफ एनर्जीज मिलती है वहां पर हमारे ग्राहक का नुकसान होता है या वह मांग उस आपूर्ति की पूरी नहीं कर पाती। यह जो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है इसको बरकरार रखने के लिए इंटरकनेक्टिविटी अपने आपस में जोड़ के रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी मॉल के लिए। वह आकर्षित करती है उन सभी ग्राहकों को, उन सभी पहलुओं को, उन सभी अवसरों को जो कि उसको सुचारू रूप से चलाने में